देश की जानी मानी और बड़ी आईटी कंपनियों में से एक इंफोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने हाल ही में भगवान बालाजी के मंदिर तिरुपति बालाजी में एक बड़ा दान किया है, जिसकी अब काफी चर्चा हो रही है। दरअसल अपने परोपकारी कार्यों के लिए फेमस दिग्गज कपल ने मंदिर में एक सोने का शंख और सोने की कछुए की मूर्ति दान की है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। बता दें, 16 जुलाई को नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति बालाजी के मंदिर पहुंचे और वहां सोने का शंख और कछुए की मूर्ति दान की। उन्होंने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के सदस्य ईओ धर्म रेड्डी को शंख और कछुए की मूर्ति को सौंपा। इस खास मौके पर दोनों पति पत्नी मंदिर के रंगनाय कुला मंडप में भी गए। वैसे सुधा और उनके पति नारायण मूर्ति द्वारा भगवान बालाजी मंदिर में दान करने का ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड की पूर्व सदस्य और इंफोसिस फाउंडर की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति ने मंदिर को एक स्वर्ण अभिषेक शंखम दान किया था। नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा ने मंदिर में जो शंख और कछुए की मूर्ति दान की है, वो बहुत ही खास है। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये स्पेशली डिजाइन करवाया है, जिसका इस्तेमाल अभिषेक के लिए किया जाता है। इस दान को भूरी दान भी कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दान किए गए शंख और कछुए की मूर्ति का वजन करीब 2 किलो है, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि नारायण मूर्ति अक्सर धार्मिक कार्यों में शामिल होते हैं और खूब दान करते हैं। वो धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता से काफी प्रेरित भी हैं। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया था कि वो भगवद गीता से बहुत प्रेरित हैं। उन्होंने भारतीय काव्य महाभारत के अपने पसंदीदा चरित्र के बारे में भी बात की थी। वहीं बात करें तिरुपति बालाजी मंदिर की, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों की लिस्ट में सबसे ऊपर है, जहां बहुत पहले से ही काफी दान होता आया है। आप भी देखिए नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की ये दान करते हुए फोटोज। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।